Assalamualaikum, welcome back to my channel, Yes Academy. तो यहाँ पे मैं second year का practical center K2024 के सारे ही guest papers आपके साथ share करूँगी. Last time जो मैंने share किए थे, उसमें काफी ज़्यादा students different guest papers require कर रहे थे, मुझसे मांग रहे थे, तो मैंने आपके लिए इस video में सारे ही guest papers share कर दिए हैं. यहाँ पे हमारे पास class 12 का mathematics का 2024 का practical center का paper है, और ये target papers होते हैं, guest papers होते हैं, जो कि आपको board में काफी ज्यादा help करते हैं, आपकी exams की अच्छी तैयारी हो जाती है. तो ये हमारे पास आ गए सारे MCQs. उसके अलावा सेक्शन बी आ गया. सेक्शन बी में यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो सारे यहाँ पे लिस्ट हुए हुए हैं. आपने इसको विदाउट चॉइस है ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो जाए, क्योंकि अक्सर अभी ये होता है कि स्टूडेंट जो भी चॉइस यहाँ पे छोड़ते हैं वो ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है. तो यहाँ पे हमारे पास हमने सारे ही सवाल को विदाउट चॉइस सॉल्व करना है. मैथ के बाद हमारे पास सेकंड ईयर का पीएसटी का पेपर आ गया है. यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू दोनों ही मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए हैं. ये हमारे पास इंग्लिश पीएसटी का पेपर है और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपने इसको विदाउट चॉइस सारी चीजों को देखना है. हर चीज को कम से कम एक बार जरूर रीड करिएगा ताकि आपको पता हो कि आपने इस सवाल में क्या लिखना है, कितनी हेडिंग लिखनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने मेंशन करनी है. ये हमारे पास आ गए सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, और कितने मार्क्स का ये सेक्शन होगा हर चीज उधर मेंशन है. अब आइए हमारे पास उर्दू में आ गया प्रैक्टिकल सेंटर का पीएसटी का पेपर. अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आप इस वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी. हमारे पास आ गए हिस्सा जीन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन. ये हमारे पास आ गया केमिस्ट्री का पेपर. केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समझे जा रहे थे इस साल के लिए, तो ये उन्होंने मेंशन कर दिया है और आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है. जिस चीज का सॉल्यूशन आपके पास प्रोवाइड नहीं है, आपकी बुक में या नोट्स में नहीं है, आपने उसको जरूर गूगल करना है, सर्च करना है, फ्रेंड से ले सकते हैं. फ्रेंड की बुक में अगर मौजूद है तो आप उससे ले लें. आपने इसको मिस नहीं करना, ठीक है, आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसको प्रैक्टिस करके ही जाना है. यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश का आ गया. इंग्लिश का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसकी मैंने ट्रांसलेशन उर्दू में समझाना शुरू कर दी है. जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो क्लास नहीं ली है, यानी कि उनको चैप्टर्स की स्टोरी नहीं पता, वो मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं. मैंने सारी ही चैप्टर्स की स्टोरीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, ताकि आपको चैप्टर्स की समझ आए कि उर्दू में आपको स्टोरी पता हो कि कौन से कैरेक्टर ने क्या चीज दी थी, क्या चीज कहा था क्या हुआ था, ताकि आप एग्जाम में प्रॉपर तरीके से पेपर करके आए और आपको आसानी हो जाए. ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल सेंटर का सेकंड ईयर का पेपर आगे 2024 का. इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स के आपके साथ शेयर करनी है गैस पेपर 2024 के भी और उससे पहले के भी ईयर्स के, ताकि आपकी तैयारी हो जाए. अपने चैनल पे जाके उनको भी देख सकते हैं जितने भी गैस पेपर मैंने आपके साथ शेयर करे हैं. यहाँ पे हमारे पास उर्दू का आ गया प्रैक्टिकल सेंटर का 2024 का, और ये सारे एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं. इसके बाद हिस्सा बे में आपके पास डिफरेंट तशरीहां हैं, सवाल हैं. तो ये आपने इसको देखना है. इक्तिबास की तशरीह है, मुसन्निफ के बारे में आपने लिखना है, जितनी भी सारी चीजें हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है. मरकजी ख्याल जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो आपके पास यहाँ पे मेंशन है. इसके अलावा शेर की तशरीह, नज़म की तशरीह, मरकजी ख्याल, खुलासा, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट समझी जा रही है इस साल के लिए वो आपके साथ यहाँ पे शेयर की जा रही है. जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं. मजमून के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी है वो आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं. हर डिफरेंट कोचिंग सेंटर का डिफरेंट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर होता है, तो आपने सबको ही प्रैक्टिस में लाना है, ताकि अगर किसी भी कोचिंग सेंटर के पेपर से कोई सवाल आए तो वो आपको आता हो. यहाँ आपके पास आ गया बॉटनी का सेक्शन बी से स्टार्ट हो रहा है, और सारे ही क्वेश्चन आपने करने हैं. जहाँ पे और लिखा हुआ है उसको भी आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है. सेक्शन सी आ गया हमारे पास बॉटनी का. अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको वीडियो को स्लो करके पॉज करके देख सकते हैं, ताकि आपको रीडिंग में प्रॉब्लम ना हो. हमारे पास सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. इसके अलावा ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं हमारे पास, रीजनिंग क्वेश्चन, नॉन रीजनिंग क्वेश्चन, जितने भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, चाहे केमिस्ट्री में हो, बायो में हो, कंप्यूटर में हो, मैथ्स में हो, सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया गया है. टाइम से पहले भी, इससे पहले भी आपके साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करी गई हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है. तो ये हमारे पास बेसिकली बॉटनी के एमसीक्यूज आ गए जो कि वहां पे मिस थे. ये हमारे पास फिजिक्स का पेपर आ गया सेकेंड ईयर का. आइंस्टाइन के रिलेशन, मास एनर्जी का रिलेशन, ये सारी चीजें आपने करनी है. इसके एमसीक्यूज और इसके नुमाइकल भी पेपर में काफी दफा आते रहे हैं, और गेस्ट पेपर में भी, टारगेट पेपर में भी, इसके अलावा पास पेपर में भी जो सिमिलर टॉपिक्स हैं आप उससे भी आइडिया कर सकते हैं, कि क्योंकि काफी ज्यादा चीजें ऑलमोस्ट वही है, सिमिलर सी है. अलावा आप उसको पास पेपर के नुमाइकल्स भी देखे जाएगा, ताकि अगर उसमें से भी कुछ आता है तो आपको आता हो वो सवाल. तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो. आई रियली होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाए. अल्लाह हाफिज़.